हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है भाई, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ लाइफ में। मैं इतने ज़्यादा खुश पहली बार हुआ हूँ। तो मैं आज आ रहा हूँ अपनी ड्रीम बाइक लेने के लिए। काफ़ी टाइम पहले से सोच रहा था लेने की, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं अपने दम पर ले रहा हूँ, मैं अपने घर वाले से पैसे नहीं लिए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। चलते हैं शोरूम के अंदर और रेट वेट पता करते हैं क्या सीन है। स्माइल मेरी भाई, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा लग रहा है, मुझे सपना सा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन सपना नहीं है। मैं अपने दिल को बता रहा हूँ कि भाई हकीकत ये है, सपने भी सच होते हैं। और अभी तो भाई इंतजार कर रहे हैं, भाई अभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जब तक मैं आपको बहुत सारी स्कूटी और बाइकें दिखाता हूँ, और मैं अपनी वाली बाइक मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि ये सरप्राइज़ है, समझ रहे हो, आपके लिए। और अभी देखते हैं क्या होता है। स्माइल का कोई ठिकाना नहीं है, सच बता रहा हूँ। तो भाई वाकई में फाइनली मेरा नंबर आ गया, और मेरी बाइक ये खड़ी है। कितनी खूबसूरत लग रही है भाई, इससे खूबसूरत तो मुझे कुछ लग नहीं रहा। और काला कलर है तो इसको नज़र भी नहीं लगेगी भाई। ऐसा लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, सच बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। और मेरे को लग रहा है भाई, आज भाई मेरे को सारे जो कागजात पे साइन करवा के ही मानेंगे। ऐसा लग रहा है अपनी मैं अपनी प्रॉपर्टी में साइन करके भाई को सौंप रहा हूँ कि भाई ये लो। चलो कोई बात नहीं भाई, ये तो एक वो होती है, क्या बोलते हैं, प्रोसेस होता है, इससे भी गुजरना बहुत ज़रूरी है। और देखते हैं, अब ये खड़ी हुई है इधर बाइक भाई। अभी भाई इसमें नंबर वंबर प्लेट तो लगाएंगे नहीं, लेकिन टेम्परेरी नंबर प्लेट तो लगाएंगे ही लगाएंगे, समझ रहे हो। तो अभी भाई खड़ा हूँ शोरूम के पास, तिमारपुर में शोरूम है ये। तो भाई ने टेम्परेरी नंबर प्लेट लगा दी है, इसका मतलब मैं अपनी कहीं भी जाना आना हो सकता है तो मैं जा आ सकता हूँ, ठीक है। और भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, सर बतला रहा हूँ। तो भाई मुझे चलाना तो कम कम आती है, लेकिन भाई ने बोला आपको चलानी पड़ेगी। मैं बोला मेरे दोस्त से चलवा लो, कह रहा नहीं भाई आपको ही चलानी पड़ेगी। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, पहला हाथ कह रहा आपको ही लगना चाहिए। मैंने बोला ठीक है भाई। तो मैंने भी चलाने का थोड़ा बहुत प्रयास किया, आता तो नहीं है, लेकिन अपनी गाड़ी आ गई तो सीख जाऊँगा ही, आपको बताइए। तो मैंने स्टार्ट करी भाई गाड़ी, और ये गाड़ी स्टार्ट हुई और तो भाई चलता हूँ अब आगे। भाई थोड़ी बहुत चला लेता हूँ भाई, मैं इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। और चलते हैं अब आगे की तरफ। और भाई मैं आ गया, मैंने सोचा भाई गाड़ी तो ले ली है, मिठाई भी तो ज़रूरी है, फिर आ जाता हूँ मिठाई लेने की दुकान पे। तो मैंने बोला अंकल 200 रुपये का मिठाई का डब्बा दे दो। तो मैंने बोला कौन सी लूँ कौन सी लूँ, फिर मेरे मन में ख्याल आया कि सफ़ेद वाले रसगुल्ले ले लेता हूँ भाई, सफ़ेद वाले रसगुल्ले बढ़िया रहते हैं अपने लिए भी और सब लोगों के लिए, पूरे मोहल्ले में बांटे जाएंगे। उसके बाद मैंने सोचा गाड़ी के लिए फूल भी ले लेता हूँ, फूल और नारियल वो भी ले लिए। फिर मैं आ गया पंडित जी के पास पूजा करवाने के लिए, क्योंकि गाड़ी की पूजा भी तो ज़रूरी है ना भाई, बिना पूजे के। वो पंडित जी ने सबसे पहले गाड़ी को लगाया टीका। टीका लगाने के बाद मैं पंडित जी को देख रहा था कि भाई कैसे कैसे पूजा कर रहे हैं, पंडित जी मंत्र तंत्र कर रहे थे गाड़ी के ऊपर। तो ये चीज़ भी आई ज़रूरी होती है, गाड़ी शुद्ध हो जाती है, समझ रहे हो, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट ना हो इसलिए। और ये देखिए पंडित जी ने क्या बनाया, इसको क्या बोलते हैं, किस किस को पता है जो पंडित जी ने बनाया है, इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ कमेंट में जिस जिसको पता है। तो चलो मैं ही बताता हूँ इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्वास्तिक, जो शुभ होता है, शुभ माना जाता है। गाड़ी और किसी भी चीज़ नई सामान लेते हैं घर में पूजा वूजा में, ये माना जाता है शुभ। तो इसलिए पंडित जी स्वास्तिक बना रहे हैं गाड़ी के ऊपर, ताकि गाड़ी स्वस्थ रहे। और उसके बाद पंडित जी ने गाड़ी के ऊपर कलावा बांध दिया। तो भाई कलावा अलावा बांधने के बाद पंडित जी मंत्र मार रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे मंत्र मार रहे थे पंडित जी। और फिर मेरे को चलानी नहीं आती थी, तो मैंने बोला मेरे भाई को, मैंने भाई तू ही चला यार, मेरे बस की नहीं है भाई, कहीं नई गाड़ी का ही स्वागत हो जाए। वैसे अच्छी लग रही है मेरी गाड़ी तो। सब कमेंट में ये बताओ कि मैं गाड़ी का नाम क्या रखूँ। पंडित जी ने फिर फोड़ा नारियल, नारियल में पानी नहीं निकला, पर कैसा नारियल लिया है, चलो कोई बात नहीं भाई। फिर मेरे भाई ने चलाना कर दी स्टार्ट गाड़ी। तो भाई ये देखिए मेरे भाई को आती है अच्छे से, ये मेरा भाई राइडर है, छोटा वाला भाई तो आपको पता ही है राइडर होता है। तो पंडित जी ने बोला भाई चला। तो फिर मेरे भाई ने स्वागत निम्बू लगाया पंडित जी ने दोनों तरफ टायर होके, और फिर मेरे भाई ने गाड़ी चलाना स्टार्ट करी, ये देखिए। उसके बाद भाई फिर आ गए हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि गाड़ी में जो तेल जो आता है ना बहुत कम आता है, ये देखिए। फिर मैंने बोला भाई सीधा नई नई गाड़ी ली है, 500 रुपये का तेल डलवा लेता हूँ।
अभी तो नंबर नहीं आ रहा, ये मेरा दोस्त है, ये साथ में गया था गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि मेरे को चलानी नहीं आती थी इसलिए इसको लेके करके गया था। भाई टंकी होगी फुल और फिर जाएगी सीधा ट्रिप पे, नंबर प्लेट आने के बाद, अभी नहीं कहीं पुलिस वाले पकड़ लें, समझ रहे हो। वे भाई भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, हमारे सब्सक्राइबर है भाई, ये पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। और उसके बाद मेरा दोस्त बोल रहा है पार्टी वार्टी हो जाए, उन्होंने बोला चल भाई फिर आ देता है तेरे को कुछ ना कुछ। ओके बाय, गुड नाइट, ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर।